तो हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं ब्लॉग बहुत टाइम बाद। जो पिछले साल पुराने रिक्शे वाले हैं ना, हाँ। अभी उनको पता ना के ये ग्राहक के काम हो रहे हैं। अच्छा, हम तो जाना मोदा लगने का सुन लाऊं मैं जाना और दूसरे में। तो ये रेडी हो रहा लंच। तो दाल का पेस्ट है रात के लिए, हम उसके बनाएंगे दाल का चीला। तो मैं दिखाऊंगा कैसे बनाता हूँ मैं। और यह है सोया चंक, और इसको ओवर नाइट सोक करके सब पाउडर बना रखा है मिक्सी में ब्लेंड करके। तो इसके साथ मैं पनीर ऐड करके एक रेसिपी बनाता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैक्रोनी और मटर, तो इसमें बनाएंगे थोड़ा पास्ता और थोड़ा पनीर ऐड करेंगे। और ये अनियन का पेस्ट है, इसमें टमाटर भी गिरा हुआ है और अदरक लहसुन भी गिरा हुआ है। तो अभी ये खा के जाएंगे जिम 6 बजे। और मैं दिखाता हूँ मेरे फ्रिज में क्या खाया हुआ अभी। तो ये है डार्क चॉकलेट, मैं जिम करने से पहले थोड़ी खाता हूँ। तो आप इसकी जगह कॉफ़ी भी पी सकते हैं, ठीक है। यहाँ रखा है पपीता काटा हुआ, और ये है वाटरमेलन। तो वाटरमेलन के साथ मैं प्रोटीन लेता हूँ, तो इसे इसका मैं जूस बनाता हूँ वाटरमेलन का। तो उसके इसके अंदर मैं प्रोटीन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी रख देते हैं इसको। तो यहाँ ऐड कर लिया है पपाया ओट्स के अंदर। तो उसके अंदर ओट्स है और डेट्स है और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के कर रखा है, और पपाया ऐड करा है। आप चाहो तो चिया सीड्स फ्लैक्स सीड कर सकते हो, मेरी ख़त्म हो रही थी तो मैंने भी ऐड नहीं करी है। कर रहा हूँ ORS, इसमें मैंने ऐड कर लिया है और थोड़ी आइस की दी है और एक लेमन स्क्वीज करा है, तो बॉडी मतलब इसे डिहाइड्रेट ना हो। मैं और आइस ऐड करते हैं। फेर दे पूरा। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्लूकोन डी। तो रेडी हो गया शेक। बहुत टेस्टी है। आप इसको आप ड्यूरिंग वर्कआउट भी ले सकते हो, उसे BCAA लेते हैं लोग, ब्रांचेन अमीनो एसिड। तो बॉडी को ना थोड़ी ग्लूकोज की जरूरत होती है ड्यूरिंग वर्कआउट, ठीक है। आपको 1 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट चल रहा है तो आपको BCAA की ज़रूरत है। अब आपके पास पैसा है तो आप BCAA ले सकते हो, और पैसा नहीं है तो आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, ठीक है। और गैटरोटिन भी आती है, वो भी मतलब 50 या 60 रुपये की बोतल पड़ती है, उसके अंदर उतना ही ग्लूकोज होता है जितना बॉडी को नीड होता है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं रेडी हो गया वर्कआउट के लिए, चलते हैं जिम। तो यहाँ पे अमन और अनुज मिलने वाले हैं मुझे, उनको मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसी बॉडी बनानी है, और बजरंग बली मेरे साथ है। ये देखो वानर सेना में धोखा। जिम के टाइम पे मतलब क्या करा रहा है। 5:30 बजे से बैठा हूँ। 6 बजे का टाइम था जिम जाने का, अब 6:50 हो गए हैं। इस बंदे ने मतलब खत फत मारा है, पता नहीं क्या कर रहा है। This is not my fault. This is Saki's fault.
बिकॉज आई एम हेयर 5:30 एट दिस पर्सन इज बस इतनी आती थोड़ी मतलब बाकी कोई नहीं आके सर बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम चलो चलो जल्दी लेट हो रही है अब उन्होंने कितनी बढ़िया बॉडी है पता नहीं जैकेट पहन के तो क्या ही कर रहा है बताना धूल वूल तो बचानी पड़े भाई ये तो बहाने यहाँ पे भी लेट हो गए दोनों ट्रैफिक इशू ट्रैफिक इशू क्या कर सकते हैं तो हम गन्ने के जूस में फिर रिकॉर्ड लेंगे ये अमन की ख्वाहिश है ये बोला इसमें जल्दी चढ़ता है तो लेके देखता हूँ मैं आज जल्दी चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा और भाई मैं तो जैसा सिखा देते हैं वैसा कर देता हूँ अपनी हाँ, जल्दी इसको है बोलते हैं कहते हैं ऐसे पंजों पे मुट्ठी माले ही मार लेता है ऐसा ही है भाई साहब किसी का बना ले तू भी साले तो ये प्री रिकॉर्ड इसी को निकाल लेके इसने भाई हम किसी का प्रमोट नहीं करते भाई कौन सी कंपनी का पता नहीं इतना बहुत है इनफ तू पकड़ ले फोन भाई प्रमोशन प्रमोशन करते नहीं है देखो कोई कौन सी कंपनी का ये हम बताएंगे नहीं हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं करने वाला कितना अच्छा दूसरे क्लास देगा वाह भाई वाह न्यू फ्लेवर जी
तो मैं 200 रखेगी पे रैप करूँगा सेम टीम में, तो अगले 2 वीक्स के अंदर 2-3 रैप तो मारूंगा मैं। तो लोग ये खत्म करते हैं, और यह पोस्ट वर्कआउट मील मटर पनीर, और ये सोया चंक का जो आपको बताया था मैंने पाउडर बना रखा है, ये मक्खन थोड़ा, और ये रोटी।